हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लक्ष्य के साथ मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है। वार्षिक उत्सव में प्रतिभावान व भामाशाहों का किया सम्मान। कस्बे के स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार शाम को नव जागृति 2022 वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां ने लोगों का मन मोह लिया। छात्रा व छात्राओं ने राजस्थानी लोक गीत, हिंदी फिल्मों के गानों पर नृत्य की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। समारोह में ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी त्रिकमाराम देवासी ने कहा कि शिक्षा से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज का दौर शिक्षा व विज्ञान का दौर है एवं इस दौर में अशिक्षित व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं है। प्राचार्य विक्रम सिंह चारण ने कहा कि शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती। जीवन भर हम विद्यार्थी बनकर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। लक्ष्य के साथ मेहनत करने पर सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने बोर्ड परीक्षार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डॉक्टर मनोहर सिंह चारण ने भी विद्यार्थी को लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समारोह में विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों व भामाशाहों का सम्मान किया गया। शिक्षक बगाराम प्रजापत, अर्जुन राव एवं भारत प्रजापत द्वारा कविता गानों की प्रस्तुति दी। इस दौरान नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के महंत सुखदेव गिरी महाराज, प्रधान प्रतिनिधि राण सिंह परमार, सरपंच चंपा देवी प्रजापत, पृथ्वी सिंह, जेएनबी प्राचार्य प्रदीप मिश्रा, निम्बाराम देवासी, प्राचार्य सौभाग्य चंद जोशी, बाबूलाल पुरोहित, पुकराज पुरोहित, रमेश पुरोहित, कालूराम पुरोहित, फूलचंद खंडेलवाल, दिनेश सिंह, जसवंत प्रजापत, अनिल राठी, हितेश पुरोहित, कपिल अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, मनीष सोनी, सुरेश पुरोहित, गोविंद माली, महेंद्र राव आदि उपस्थित थे। विख्याता दिनेश विशोई ने वार्षिक परिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मंच का संचालन मोहम्मद असलम ने किया। जागरूक टीवी की जसनपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।